देश में बन तो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन नामक जीव हमें आसानी से मिल पाएगी या नहीं। अब के हालातों को देखकर तो यही लगता है, देश में वैक्सीन बन तो रही है लेकिन जा कहाँ रही है। जो कंपनियां वैक्सीन बनाती है, केंद्र उन्हें 2 महीने का एडवांस भुगतान भी कर चुका है। अगर वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट को एडवांस भुगतान किया जा चुका है तो वैक्सीन की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है, इतनी देर क्यों लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। चलिए हम मान लेते हैं कि पूरे भारत में वैक्सीन लगाने में वक्त लगेगा, लेकिन वैक्सीन उन राज्यों को तो दी जाए जिनमें कोरोना का कहर मचा हुआ है, पर नेतागण यहाँ भी वोट का खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई कम नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी को अच्छा मानते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख यहाँ कोई नहीं है। इस महामारी के बीच वैक्सीन की कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं, इनमें डॉक्टर से लेकर नेता गण तक शामिल है। अब हम गौतम गंभीर की ही बात कर लेते हैं। उनकी फाउंडेशन को दवाइयों की जमाखोरी के चलते दोषी माना गया है। अरे आप ये गलती मत पाल लेना कि आम आदमी पार्टी अच्छी है, इन महाशय की पार्टी भी कालाबाजारी में पीछे नहीं है। पहले विधायक इमरान हुसैन और अब आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को कालाबाजारी और जमाखोरी का दोषी पाया गया है। ये मैं नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है। नेताओं को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दबाव की हेरा फेरी और जमाखोरी को लेकर। तो उधर पंजाब में भी वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कालाबाजारी पर उतारू हो गई है। अमरिंदर की सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में वैक्सीन खरीदी और वो वैक्सीन अपने राज्य में निजी अस्पतालों को 1500 से 1700 रुपए में बेच रहे हैं। अब कहाँ है कांग्रेस के अनुभवी युवा आदरणीय नेता श्रीमान राहुल गांधी जी। चलिए छोड़िए, उन्हें नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने दीजिए। तो हम कहाँ थे, वैक्सीन की कालाबाजारी का। अब हम यहाँ उत्तर प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं, वो तो एक महान राज्य है। वैक्सीन की कालाबाजारी को लेकर सीएम योगी की सरकार ने काला बाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी उस पर एनएसए के तहत केस दर्ज होगा। देश में वैक्सीन को लेकर काफी किल्लत हो रही है। पहले आपको एक वैक्सीन लगवाने के बाद 1 महीने का गैप दिया जाता था, लेकिन अब वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके लिए वैक्सीन लगाने के बाद 3 महीने का टाइम यहाँ दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि वैक्सीन की आपूर्ति किन्हीं राज्यों को नहीं मिल पा रही है और जिन राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है वहाँ कालाबाजारी जैसे कारनामे निकल कर सामने आ रहे हैं। हमारे और तुम्हारे ही बीच के नेता जिन्हें हमने वोट दिया है वही कालाबाजारी पर उतारू है। आखिर हम किस पर भरोसा करें, इन नेताओं पर जिन पर हमने भरोसा करके वोट देकर अपने राज्य में खड़ा किया, अपने शहर में खड़ा किया, आज यही कालाबाजारी पर उतारू है। जिन राज्यों में कोरोना का कहर बरप रहा है उन्हीं राज्यों में कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। हम अगले एपिसोड में जल्द ही मिलेंगे किसी और नए मुद्दे को लेकर। अब तक के लिए नमस्कार।